हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जियो सिनेमा में फ्री में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी का रिव्यू करने वाले हैं। ये फिल्म 2011 की फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट की अडेप्टेशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च करके इंटरेस्टिंग मूवीज के रिव्यूज बनाते रहें। फिल्म दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक चेस सीक्वेंस के साथ शुरू होती है। हम शायद को चाकू से चोट खाते हुए देखते हैं, जिससे हमें यह अंदाजा हो जाता है कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और खून खराबा होते जाएगा। इसके बाद हम शायद के बेटे अथर्वा से मिलते हैं। दोनों फादर सन की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। हम जल्दी समझ जाते हैं कि शाहिद यानी कि सुमेर एक एनसीबी अधिकारी है, जो रोनित रॉय द्वारा अभिनीत सिकंदर नामक एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ रहा है। फिल्म एक मिनट बर्बाद किए बिना सीधे पॉइंट पे आती है। शाहिद को बताया जाता है कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और सिकंदर उससे उसके बेटे के बदले 50 किलो कोकेन सौंपने के लिए कहता है। सुमेर ठान लेता है कि वो कोकेन सौंपे बिना अपने बेटे को छुड़ाएगा। शाहिद सिकंदर के होटल पहुंचता है और खुद को एक अनयूजुअल सिचुएशन में पाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ब्यूरो में एक खबरी है जो ड्रग कार्टेल के साथ काम कर रहा है। कैसे सुमेर ये सिचुएशन से डील करेगा, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जियो सिनेमा पर। फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने और प्रोड्यूस किया है हिमांशु किशन मेहरा, अली अब्बास जफर, ज्योति देशपांडे, सुनील खेतरपाल और गौरव बोस ने। चलिए पहले फिल्म के पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। कहानी 24 घंटे के अंतराल में अनफोल्ड होती है। फिल्म एक हाई नोट पर शुरू होती है और कुछ बहुत वेल परफॉर्म एक्शन सीन्स प्रेजेंट करती है। डायलॉग्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि वो अनफिल्टर्ड है और काफी नेचुरल लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक और कलर ट्रीटमेंट भी कहानी की चकाचौंध को बढ़ाती है। इसी के साथ शाहिद की कॉमिक टाइमिंग अच्छे से लैंड करती है और रोनित रॉय भी आपको हंसाने के लिए मजबूर कर देंगे। अब फिल्म के नेगेटिव्स की बात करते हैं। क्योंकि फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने दूसरे हाथ में पहुंचती है फिल्म जोश खो देती है। पूरी फिल्म में शाहिद और उनके बेटे के बीच का रिश्ता भी कायम नहीं हो पाता। कुछ हिस्से थोड़ा रोमांच प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा अटेंशन ज़्यादा देर तक ग्रैब नहीं कर पाते अपनी आधी पकड़ी स्टोरी लाइन के कारण। ओवरऑल ब्लडी डैडी एक सिंपल और रूटीन कॉप ड्रामा है, जिसमें कुछ क्रिस्पी और स्टाइलिश एक्शन सिक्वेंस के साथ कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, ये था ब्लडी डैडी फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज़ दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एंकरेज कीजिए। रिव्यू को शाहिद कपूर के फैन दोस्तों के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जैसा कभी विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।